फ्रेंड्स, पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन एक बार फिर से आपके लिए नए वीडियो के साथ आया हूं और आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आज बात करूंगा एएफबीसी बॉयलर यानी एटमोस्फेरिक फ्लूडाइज्ड बेड कम्बसन बॉयलर। इस वीडियो को आप लोग एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही अच्छे से आप लोग को एएफबीसी में क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या किसका फंक्शन है, पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा। जो भी लोग अगर नए हैं, एएफबीसी में काम करना चाहते हैं या जो काम कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पावर प्लांट डिस्कशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों चलिए अपने टॉपिक एएफबीसी के ऊपर बात करते हैं। एएफबीसी में क्या क्या चीज होता है और कैसे एएफबीसी बॉयलर काम करता है। जैसे दोस्तों हम लोग को, मैं पहले आप लोग को बताया था कि बॉयलर के अंदर क्या होता है, पानी को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है और उस स्टीम से हम लोग टर्बाइन को देते हैं। तो हमको स्टीम बनाने के लिए हम क्या करते थे, वहां पे कम्बसन करवाते थे। तो देखिए मैं इसमें पूरा लाइन डायग्राम दिखाया हूं कि कैसे कैसे इसमें एयर आता है, कैसे कैसे पानी आता है। तो हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि इसका कितने कितने फैन लगे हुए हैं। मेनली देखिए एक आईडी फैन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। मतलब हम बॉयलर के अंदर जो भी एयर दिए कम्बसन कराने के बाद, इसको खींचने का काम करता है। और यह जो खींचने का जो काम करता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, वो कैसे करेगा, पूरा बॉयलर सेक्शन से होके आपका इकोनोमाइजर एक इक्विपमेंट होता है, इकोनोमाइजर से होते हुए एपीएच होते हुए ईएसपी होते हुए ये चिमनी को प्रोवाइड करके हमारा आईडी के काम है। तो आईडी हमारा यहां से एयर को ऐसे सक किया, इकोनोमाइजर को होते हुए एपीएच को देते हुए ईएसपी में करते हुए पूरा चिमनी से आउट कर दिया। और दूसरा एक फैन लगा है फोर्स ड्राफ्ट। यह जो फैन है यह हमारा बॉयलर को कम्बसन करने के लिए देता है कि हमारा जो फ्यूल है उससे मिलके कम्बसन करे। तो देखिए एफडी फैन का क्या है, यह कि यह एटमॉस्फेयर से बाहर से सराउंडिंग से एयर खींचेगा और खींच के यह किसको देगा, एपीएच यानी एयर प्री हीटर, यानी यह जो कोल्ड एयर हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं उसको यहां से जो फ्लू गैस जा रहा है उसके सहायता से, उसके मदद से हम उसका कुछ हीट को गेन करते हैं। यानी एटमॉस्फेयर से जो एयर लिए उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ाते हैं। उसका टेम्परेचर बढ़ाने का बहुत ही फायदा है, इसीलिए इसका लगाया है, उसका एफिशिएंसी प्लांट का बढ़ा देता है। तो यहां पे देखिए हमारा एयर ऐसे आया, फिर इधर से ऐसे आया, फिर हमारा एयर देखिए ये पैसेज बनाए हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे आके फिर ये एग्जिट हो जाएगा। और फ्लू गैस हमारा यहां से ऐसे आके ये जो होल दिख रहा है ये ट्यूब्स है, ट्यूब्स के अंदर फ्लू गैस जाएगा और यहां से फ्लू गैस निकल जाएगा, निकल के आपका ईएसपी से होते हुए आईडी का जो काम था वो सक कर लेगा। तो हमारा यहां पे क्या हुआ, जो हमारा कोल्ड एयर था यहां पे कोल्ड एयर था और यहां पे क्या हो गया हॉट एयर। अब यह हॉट एयर को हम फिर ऐसे लेके आएंगे और यहां से लेके आके बॉयलर को दे देंगे। यह हमारा है विंड बॉक्स, इसको विंड बॉक्स बोलते हैं। हमारा विंड बॉक्स में एयर आ गया। अब इस एयर हमारा कुछ एयर, अब देखिए यहीं से बीच में देखिए मैंने क्या किया, एक टैपिंग ले लिया है, मतलब ये फैन का सक्शन मैंने यहीं ले लिया है। यानी यह 35 to 40% एफडी का जो एयर सक कर रहा है उसको पीए फैन क्या कर रहा है, यानी प्राइमरी एयर इसको बोलते हैं। प्राइमरी एयर का काम क्या है कि जो हमारा कोयला है, बंकर से जो कोयला आएगा उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, उसको कन्वे करने के लिए बॉयलर तक पहुंचाने के लिए हमको क्या करना है, कोई फैन का मदद चाहिए, क्योंकि वो इतना हाई डेंसिटी का होता है कि वो अपने से जा नहीं सकता। तो उसको भेजने के लिए हम एक फैन लगाते हैं कि पीछे से धक्का मारेंगे। देखिए यहां से कोयला हमारा बंकर से, ये फीडर लगा हुआ है, बंकर से माल नीचे गया और ये इसको पीए लाइन बोलते हैं। तो पीए फैन का इसी से 35, अगर मान लीजिए इसमें 100 टन का एयर एफडी दे रहा है तो 35 से 40 टन का एयर आपका पीए सक कर लेगा और सक करके इसको कोल को
कन्वेइंग करने के लिए, बॉयलर तक प्रोवाइड करवाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो पीएफ फैन क्या किया, प्राइमरी एयर फैन क्या किया, यहां से एयर सक किया और फिर इसको डिलीवर कर दिया, यहां से डिलीवर कर दिया। और यहां पे ये बंकर है, बंकर मतलब वो स्पेस जहां पे कोल को स्टोर करते हैं, फाइंस जितना भी हम लोग का एमएम का 8 एमएम 6 एमएम जितना एमएम का कोल को पहले सीएचपी से लाके यहाँ पे स्टॉक करते हैं। एक कोल हैंडलिंग प्लांट होता है जहां पे हम लोग कोयला को डिजायर्ड शेप में लेके इस बंकर में रख लेते हैं और यहां से हम लोग कोयला बॉयलर को देते हैं, क्योंकि कोयला और एयर दोनों रहेगा। कोयला में आपका कंबस्टिबल एलिमेंट होता है कार्बन सल्फर हाइड्रोजन, ये क्या करता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तभी हीट को कार्बन जो है जनरेट देगा। हीट कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाता है तो हीट रिलीज करता है ना, तो वही हम लोग को हीट यहाँ पे जनरेट करना है। तो यहां से हमारा कोयला जाएगा और देखिए यहाँ पे एक नोजल लगा है, इसको मिक्सिंग नोजल बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको हेल्प करता है, यहाँ पे डिफ्यूजर टाइप का लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एयर इस नोजल के थ्रू जाएगा और कोयला इधर से गिरेगा। तो कोयला को हमारा ये कूल नोजल बोलते हैं, ये दो देखिए मैंने दो को दिखाया है कूल नोजल। कूल नोजल के थ्रू हमारा ये क्या हुआ, बॉयलर के अंदर यहाँ पे कोयला भी आ गया और एफडी के थ्रू यहाँ पे एयर भी आ गया। अब देखिए एफडी में, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैंने नोजल दिखा रखा है, ये सब छोटे 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 जो है ना, ये सब एयर नोजल कहलाता है। ये विंड बॉक्स के अंदर जब एफडी का 70% या 60% एयर ये नोजल के साथ इसमें बॉयलर के अंदर एंटर करेगा। अब हम आपको फ्लूडाइजिंग प्रोसेस में बताए थे कि इसके अंदर बेड मटेरियल का कैसे फ्लूडाइज करवाते थे, तो यहाँ पे बेड मटेरियल हम लोग पहले से ऑलरेडी रखते हैं और बेड मटेरियल का पहले लाइटअप करके इग्निशन टेम्परेचर तक लगते थे, जो हम ट्रिपल टी बात किए थे उसमें बोले थे कि एक टी जो है टेम्परेचर टाइम और टर्बुलेंस, तो वो प्रोसेस यहाँ पे कराएंगे। पहले ऑलरेडी हम टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक बेड का लाएंगे, तो वही बेड मटेरियल लाके पहले टेम्परेचर उतना लाएंगे, तब जाके हमारा ये कोयला इधर से जाएगा और इधर से ये आके दोनों मिक्सअप होके मतलब बर्निंग स्टार्ट करेगा, यानी हमारा यहाँ पे हीट जनरेट होना स्टार्ट हो गया। ये सब मैंने क्वाइल दिखा रखा है कि बेड क्वाइल, इसके अंदर वाटर ट्यूब, इसमें वाटर ट्यूब होता है, पूरा बॉयलर के अंदर वाटर ट्यूब होता है, ये बेड क्वाइल है, मतलब इसके अंदर भी पानी सर्कुलेट करता रहता है। अब हमारा देखिए यहाँ पे हमारा हीट जनरेट हो गया, पूरा ऑल ओवर हमारा यहाँ पे हीट जनरेट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम पहले बॉयलर के अंदर पानी कहाँ से आता है और कैसे आता है ये चीज देख लेते हैं। तो पानी भेजने के लिए हम एक पंप यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बॉयलर फीड पंप। यह जो है बॉयलर फीड पंप, इसका काम क्या है, बॉयलर को फीड करना। देखिए बॉयलर का प्रेशर कितना होता है, बॉयलर का प्रेशर से जितना होता है, मान लीजिए जितना भी आपका डिजाइन है 65 kg 80 kg जितना का भी बॉयलर आपका डिजाइन है, उससे 20% डिजाइन से 20% हम लोग हाई प्रेशर में बीएफपी के थ्रू प्रेशराइज करते हैं। बॉयलर फीड पंप एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और इसमें क्या करते हैं कि स्टेज टू स्टेज बीएफपी से वाटर का प्रेशर बढ़ाते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए 64-65 kg है तो लगभग हम लोग 70-80 kg प्रेशर बिल्डअप करेंगे, और इसमें जो पानी सक करते हैं वो डिएरेटर से पानी लेते हैं, एक डिएरेटर जगह है, डिएरेटर से हम लोग पानी बीएफपी सक किया और सक करके हमारा ये किसमें दिया, ये देखिए मैंने इकोनोमाइजर बना रखा है, तो इकोनोमाइजर में पानी दिया। अब इकोनोमाइजर का ये बॉटम रिंग हेडर है और ये टॉप हेडर है, ये बॉटम हेडर और टॉप हेडर, इसमें क्या है देखिए मैंने एक रास्ता दिखाया है कि इसमें बहुत सारा ऐसे ट्यूब्स होते हैं, मतलब वाटर ट्यूब्स होते हैं, इसके अंदर वाटर सर्कुलेट करता है, और जो हमारा यहाँ पे कंबस्शन हुआ जो कोयला और एयर से जो कंबस्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो हीट यहाँ पे जनरेट हो गया। तो ये क्या करता है, हीट जनरेट हो गया तो ये देखिए इस सब रास्ते से फ्लू गैस हमारा ऐसे एग्जिट होने की कोशिश करता है और यहां से ऐसे चल के ऐसे ऐसे ले जाके, तो यहां पे कुछ ना कुछ ये फ्लू गैस का टेम्परेचर रहेगा, तो ये टेम्परेचर जो है
300-400 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वो आपका इकोनोमा ये ट्यूब्स पे टच करेगा और ट्यूब्स के अंदर वाटर है, तो वाटर जो हमारा ये डिरेटर में मान लीजिए 50, 100, 200 जितना भी 100 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हैं, तो इसके एग्जिट में हम लोग का मिल जाता है 250-300। मतलब यहाँ पे क्या की हीट का एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हुआ सेंसिबल हीटिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, तो सेंसिबल हीटिंग एब्जॉर्ब करके उसका केवल फेज चेंज नहीं करेगा, केवल टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो हमारा क्या हुआ अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे कम गर्म करना पड़ेगा उसको, बॉयलर के अंदर कम गर्म करना पड़ेगा, तो यानी कम हीट में हमारा स्टीम जल्दी बन जाएगा। तो इकोनोमाइजर क्या किया हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत ही असिस्ट किया, तो हमारा इकोनोमाइजर यहाँ पे वाटर को जो वाटर लिए उसको गर्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम बीएफपी का डिस्चार्ज से देखें, हमारा पहले रिंग बॉटम में गया हेडर में, बॉटम हेडर से देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्स लगे हुए हैं, इस ट्यूब से पास करते करते टॉप में एक हेडर है, यहाँ पे हेडर बनाया गया है, तो ऐसे बहुत सारा ट्यूब्स का ग्रुप रहता है, मैंने एक ही दिखा रखा है। तो इस हेडर से फिर हम टैपिंग करके इसको ड्रम, एक होता है ड्रम जिसमें स्टीम 50% ऊपर स्टीम मेंटेन करते हैं और नीचे वाटर मेंटेन करते हैं, तो हमारा ये जो वाटर है इसके अंदर आ गया ड्रम में। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बॉयलर के अंदर पानी आता है, तो हमारा ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा, डिएरेटर से बीएफपी, बीएफपी से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से ड्रम में गया, और ड्रम से एक देखिए यहां से मैंने दिखा रखा है इसको डाउन कमर बोलते हैं, डाउन कमर जैसे कि नाम से ही पता चलता है, डाउन कमर मतलब डाउन होके आ रहा है। अब ये देखिए कहां आ गया, यहां पे मैंने एक गोला ये चीज बना रखा है, इसको रिंग हेडर बोलते हैं। वैसे सिमिलरली इधर से भी मैंने इसको दिखा नहीं पाऊंगा, तो इधर से मान लीजिए यहां पे भी ऐसे आ गया, इसका बॉटम रिंग हेडर बोलते हैं, तो बॉटम रिंग हेडर में पानी आ गया, और यहां पे जब पानी आएगा इधर बहुत सारा वाटर वॉल लगे रहते हैं, तो क्या किया यहां पे अंदर ऑलरेडी हीट है, तो जब ये पानी गर्म होगा तो डेंसिटी कम होगा, पानी गर्म होगा तो उसका डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा वो भाप बन जाएगा, भाप बन के क्या होगा वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो यहां से हमारा फिर पूरा ऊपर तरफ जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या किए, ये हमारा टॉप हेडर है, जैसे ये बॉटम हेडर है, ये गर्म होके भाप हमारा पूरा टॉप हेडर में आ गया, टॉप हेडर में आ जाएगा तो फिर देखिए इसको हम लोग फिर से कलेक्ट करके राइजर के थ्रू हम लोग ड्रम को दे दिए। अब जब ड्रम में हमारा क्या हो गया, अब पहले तो पानी था, अब यहाँ पे देख लीजिए स्टीम भी आ गया, क्योंकि ये जो है वेट स्टीम आ गया इसके अंदर। अब इस वेट स्टीम को हम सुपर हीट करते हैं, उसके लिए दो प्रोसेस लगा हुआ है, सुपर हीटर ट्यूब्स लगे हुए हैं, एक है प्राइमरी सुपर हीटर और दूसरा है सेकेंडरी सुपर हीटर। तो सबसे पहले ड्रम से राइजर के थ्रू जो वेट स्टीम है उसको निकाल के प्राइमरी सुपर हीटर, मतलब यहाँ पे भी ये क्वाइल लगा हुआ है, और यहां से फिर इनलेट करवाते हैं और एग्जिट करवाते हैं। एग्जिट करवाने के बाद एक छोटा सा अरेंजमेंट आपको दिखाया हूं, जहां पे अटेम्परेटर इसको बोलते हैं, यानी इसको टीसीबी टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, इसको यहाँ पे एक रहता है, जो कि अगर सुपर हीटर जो प्राइमरी सुपर हीटर का आउटलेट है, अगर मान लीजिए हमारा बॉयलर का डिजाइन प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए, तो जितना भी हमको प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग हीटिंग करते हैं बॉयलर के अंदर, तो प्रेशर तो उतना कोई इफेक्टिव नहीं है, उसको प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पे हम लोग एक स्टार्टअप हेंट का यूज करते हैं, फिर एमएसएसबी होता है, फिर यहाँ सेफ्टी वाल्व का यूज किया जाता है, मतलब ये सब चीजें उसमें वो लंबा हो जाएगा वीडियो, उसको बाद में कभी बात करेंगे। तो देखिए यहां से हमारा टेम्परेचर का मेन काम है कि ये जो प्राइमरी सुपर हीटर का है वो टेम्परेचर कंट्रोल करे, इसके लिए कंट्रोल करने के लिए हम लोग का ये जो बीएफपी का है यहीं से एक डिस्चार्ज से, बीएफपी के डिस्चार्ज से मतलब इको आउटलेट से पहले ही बीएफपी का डिस्चार्ज से एक पानी का लाइन ले लेते हैं जो इसमें स्प्रे करने के लिए यूज करते हैं। अब इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर लिए, उसके बाद फिर से अभी भी ड्राई है, लेकिन इसको और सुपर हीट करने के लिए हम लोग सेकेंडरी सुपर हीटर में देते हैं, उसके बाद हम लोग को टर्बाइन को भेजना है तो टर्बाइन को भेज देते हैं। अब देखिए हमारा ये हो गया, हमारा यहाँ पे हीट जनरेट हो गया, पानी भाप बन गया, प्राइमरी सुपर हीटर में गया, सेकेंडरी सुपर हीटर में जाके टर्बाइन को दे दिया, और हमारा ये क्या हुआ फ्लू गैस इधर आपका है इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर में कुछ हीट यूज हो गया, फिर हमारा ये
एपीएस में गया, एयर को कुछ हीट कर दिया, और फिर हमारा यह जो है, अब यहाँ पे देखिए हमको एक ईएसपी इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर। यह क्या करता है, जो हम लोग का फ्लू गैस के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है, फाइंस होता है ना वो, भाई हम एटमोस्फियर में तो उतना डस्ट भेज नहीं सकते, उसको कंट्रोल करना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा रखा है जो कि इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करके कोरोना इफेक्ट पे ये वर्क करता है। इस पे कभी बाद में बात किया जाएगा कैसे काम करता है। उसका मेन यही आप समझ लीजिए कि हमारा ईएसपी क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को कंट्रोल करता है, और जो हमारा आईडी इसको सक करके चिमनी को दे देगा। जो इसका डिजायर्ड लेवल, परमिसिबल लेवल लिमिट है वो 50 मिलीग्राम पर MQ ऐसे करके इसका डेंसिटी होना चाहिए जो फाइंस पार्टिकल जा रहा है उसका। और यह चिमनी क्या करता है, हमारा यहां से फाइंस फ्लू गैस को एक हाइट तक ऊपर छोड़ देता है जो कि हमारा नीचे एटमॉस्फेयर में हम लोग का जो सांस उस लेते हैं उसमें कोई तकलीफ ना हो, मतलब हमारा एनवायरमेंट के रिलेटेड ऊपर रिलीज कर देता है जो कि हमको ह्यूमन को ज्यादा कम हट रहे, ह्यूमन को ज्यादा इफेक्ट ना करे। और देखिए मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि यहां से देखिए अगर बेड हाइट जैसे एस पार्टिकल होता है, एस यहां से बॉयलर के निकालने के लिए यहां से एक सिस्टम अरेंजमेंट लगा देते हैं जिसको ड्रेन बोलते हैं, यहां से बेड ड्रेन करवाते हैं वैसे ही। और यहां से ड्रेन कराने के देखिए यहां हॉपर का भी हॉपर देखिए यहां पे भी कुछ डस्ट कलेक्ट होगा तो यहां पे भी एक बंक हॉपर लगा हुआ है इकोनोमाइजर के नीचे, वैसे एपीएच के नीचे, वैसे ईएसपी के नीचे। और यह जितने भी है मैंने ये एरो टाइप का दिखाया है यहां से, ये सब को एक कन्वेइंग सिस्टम है, उसको एस कन्वेइंग सिस्टम बोलते हैं। उसके थ्रू हम लोग एक साइलो जगह होता है जहां पे हम लोग स्टॉक करते हैं। तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा इसीलिए बस आप लोग आज इतना ही समझिए। मैं कोशिश किया कि मैं आप लोगों को पूरा बढ़िया से समझा दिया, तो थैंक यू। अगर यह मेरा एफर्ट थोड़ा आप लोग को अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि बार बार आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलना पड़े। कि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगा मैं ऐसे से बहुत अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा, रियली बता रहा हूं। तो मेरा जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन करेंगे मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा और आप बिना बोले ही उसका बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए बहुत